Assalamu alaikum, sixth class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your teacher. My subject is computer. Today we will start lecture number 4. In lecture number 4, we will discuss unit number 2, electronic mail. Electrically message karna, it's mean with the help of internet. Let's start question answers. Question number 1, define email. Email stand for electronic mail. It is a process of sending किसी को भेजना and receiving या वसूल करना है मैसेज को in an electronic form, it's mean with the help of internet. Define CC. CC stand for carbon copy. CC helps to send the same message. एक ही मैसेज यानी कि मेरे पास कोई एक जो है वो मैसेज है, मैं कहती हूँ कि several people को मैं send कर दूँ एक ही time में, मुझे बार बार individual सबको send ना करना पड़े, तो मैं use करती हूँ CC वाला option. यहाँ एक डेमो के तौर पे दिखाती हूँ. ये आपके पास एक ईमेल पेज है, यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ हो रहा है आपके पास सीसी का. आप देख सकते हैं ये सीसी का ऑप्शन है. ये मैं यूज़ करूँगी जब मैं चाहती हूँ एक से ज़्यादा पर्सन्स को मैं ये मैसेज सेंड करूँ एट द सेम टाइम. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अटैचमेंट ऑप्शन. जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, नेम से ही पता चल रहा है कि अटैच करना किसी भी चीज़ को. जब मैंने मेल भेजी है तो किसी चीज़ को अटैच करूँगी, और अटैच में क्या कर सकती हूँ, कोई भी फाइल्स हो सकती हैं मेरे पास, पिक्चर्स हो सकती हैं या वीडियोस हो सकती हैं, मैं किसी भी चीज़ को अटैच करके भेज सकती हूँ उसको. उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अटैचमेंट ऑप्शन. आगे हम डेमो के तौर पर देखते हैं बेटा, ये मेरे पास मेल पेज था. अगेन ये देखें बेटा, ये वाली जो ऑप्शन है आपके पास, ये आप देख सकते हैं जैसे आप अपना मेल पेज ओपन करते हैं, ये जो चीज़ है आपके पास वो आपके पास अटैचमेंट ऑप्शन है. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक आप लोगों के पास ओपन हो जाती है गैलरी. वो आपसे पूछता है कि आप फाइल्स अटैच करना चाहते हैं, पिक्चर्स अटैच करना चाहते हैं या कोई भी वीडियोज अटैच करना चाहते हैं. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद ये सेंड वाले ऑप्शन से आप उसको सेंड कर सकते हैं. बेटा यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है. डिलीट के ऑप्शन का मतलब, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ इंसर्ट कर देते हैं, कोई भी फाइल आप दोबारा चाहते हैं कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, सो आप डिलीट के ऑप्शन पर जाकर उसे डिलीट कर सकते हैं, और अगेन आप इस ऑप्शन को यूज़ करके एक नया फाइल, पिक्चर या वीडियो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ईमेल प्रोग्राम्स. जब हम ईमेल यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की ईमेल्स होती हैं बेटा. जैसे कि आप देखते हैं, आपने नेम सुना होगा याहू, जीमेल, हॉटमेल, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. आप किसी भी मेल बना सकते हैं और इनकी डिफरेंट पर्पस हैं और डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि यूज़ होती हैं. आप देखें जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई, ये एरो पे आप देख सकते हैं कि इसका एड्रेस आ रहा है http://www.hotmail.com, इस तरह से ये gmail.com है, और ये आपके पास जो है ये याहू जो है उसका एड्रेस है. बेटा यहाँ पे www डाला गया, इसका मतलब आप मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि वर्ल्ड वाइड वेब है. इट्स मीन कि ये वेबसाइट पे आप कोई चीज़ जो है उसका डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कोई भी चीज़ सर्च कर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी. सीसी और बीसी में क्या फ़र्क है. सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. CC stand for carbon copy. It has to send the same message to several people at the same time. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, BCC जो है ये एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, और इट है आल्सो सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम. तो ये बेटा ये भी क्या करता है कि एक जो कोई मैसेज होगा वो सेवरल पीपल को, जो डिफरेंट जो पर्सन हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल वो इस पर्सन को भेजना चाहता था, इसी तरह से एक और पर्सन था उसको भेजना चाहता है, तो कुछ सेवरल पर्सन को एट द सेम टाइम ये सेंड करेगा. लेकिन इन दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बीसीसी जब सेंड करता है वो क्या करता है, विदाउट लेटिंग देम नाउ डेट अदर्स हैव आल्सो बीन सेंड द सेम मैसेज. सीसी में क्या होता है कि अगर आपने इस पर्सन को भी सेंड किया है और इस पर्सन को भी सेंड किया है, तो एक दूसरे को मत पता होगा कि ये वाला मैसेज इसको भी सेंड किया गया. जबकि बीसीसी में क्या होता है कि वो दूसरे को नहीं पता चलता कि यही वाला मैसेज इसको भी सेंड किया गया है. तो इन दोनों में यही एक मेजर जो है वो डिफरेंस है. आप देख सकते हैं पीछे,
कि यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, सीसीबी है और बीसीसीबी। आप कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे को पता चले कि ये उसको भी सेंड किया गया है तो आप सीसी यूज करेंगे, और आप चाहते हैं कि अगर ना पता चले तो आप बीसीसी ऑप्शन यूज करेंगे। मोस्टली जो हम यूनिवर्सिटीज में मेल होती हैं या आम रूटीन में जो हम एक से ज्यादा पर्सन को यूज करने के लिए सेंड करने के लिए यूज ऑप्शन करते हैं वो है सीसी। सीसी ऑप्शन ज्यादा यूज होता है हमारे पास। बेटा इसमें जो एक मैं आपको बताऊं कि नेम से ही ऑब्वियसली जाहिर हो रहा है कार्बन कॉपी, जैसे कि आप देखते हैं कार्बन पेपर, कि जब आप कार्बन पेपर काम करते हैं तो नीचे दूसरे पे भी उसका मार्क आ जाता है, यानी दूसरे को पता चलता है कि ये काम किया गया है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो ये है, ब्लाइंड का मतलब क्या है कि पता ना चलना, नजर ना आना। ये ऐसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी के, जब आप एक को सेंड किया तो दूसरे को जो है उसके बारे में पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। एज यू नो एडवांटेजेस किसे कहते हैं, बेनिफिट्स को, फायदे को। हम ईमेल क्यों यूज करते हैं, जाहिर है बेटा जब हम कोई चीज यूज करते हैं इट्स मीन उसका कोई फायदा भी है। सो इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, वी कैन कनेक्ट ग्लोबली, ये ग्लोबली, ग्लोबली मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है, तो ये वाला पर्सन अगर इसको मैसेज करना चाहता है सो हम यूज कर सकते हैं ईमेल ऑप्शन, क्योंकि ईमेल जो है वो कनेक्ट है ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया को उसने आपस में मिलाया हुआ है। तो एक मैसेज को एक पर्सन दूसरे को मैसेज कर सकता है, इसी तरह से अगर एक पर्सन यहाँ पे है तो उसको भी मैसेज कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहीं पे भी आप उसे मैसेज कर सकते हैं। वी कैन सेंड फॉल्स पिक्चर्स, जैसा कि आपने देखा था मैंने आपको बताया था कि ये अटैचमेंट जो है आपके पास ऑप्शन है, और इस अटैचमेंट ऑप्शन से जो है आप पिक्चर्स, फॉल्स, वीडियोज कुछ भी सेंड कर सकते हैं। वी कैन शेयर फाइल्स इन वेरी चीप एंड सिक्योर वे। हम चीप का मतलब है बहुत ही सस्ता, इट्स मीन विदाउट एनी कॉस्ट आप जो है कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी जो है पे करने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सिक्योर वे, सिक्योर वे किस मीनिंग में कहा गया है ये आपको, सो सिक्योर वे जो है वो इस फॉर्म में कहा गया है आप लोगों को कि ये जब हम मैसेज किसी पर्सन को कर रहे हैं, मींस जिस जिसकी मेल मैंने लिखी हुई है, लेट्स सपोज मैंने एक पर्सन की मेल लिखी है तो वो उसी को ही रिसीव होगी, वो कोई और पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता, ऑथराइज पर्सन ही जो है उसको रीड करेगा। सो दिस इज अ सिक्योर वे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।